स्टेट्स कैलकुलेट करने पे आती थी, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन की माइक्रो स्टेट कितनी होगी। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन की माइक्रो स्टेट अगर हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी माइक्रो स्टेट निकालेंगे और इसकी माइक्रो स्टेट निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो होंगी इसकी माइक्रो स्टेट। अब आप बताइए पी वन की कितनी माइक्रो स्टेट होती है? सिक्स। डी वन की कितनी होंगी? टेन। टेन होंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 होंगी। अब आप देखिए कि जब दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और एक पी में है एक डी में है, तब आप देखिए कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 60 हो गई। क्यों हो गई होगी? क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये जो ऑर्बिटल का नंबर बढ़ गया है, आप देखिए एक, ये देखिए आप, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये डी ऑर्बिटल बना दिया हमने और ये पी ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। Yes, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां भी हो सकता था और ये यही रहता अपनी जगह पर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता था, ये अपनी जगह पर रहता, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता था, ये अपनी जगह पर रहता, ये यहां रहता, तो ये कितनी 5 पॉसिबिलिटी हो गई सीधे सीधे हुई। Yes, ma'am. अब आप देखिए इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा दीजिए, यहां रख दीजिए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है तो ये यहीं रह सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है तो ये यहीं रह सकता है। अब पॉसिबिलिटीज देख, ये यहां हो सकता था, ये यहां हो सकता है, ये यहां हो सकता है, यहां, ये 4 पॉसिबिलिटी। अब देखिए 4 पॉसिबिलिटी हो गई प्लस 4 पॉसिबिलिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां होता तो कितनी पॉसिबिलिटी हो जाती, आप समझ रहे होंगे मेरी बात? यस मैम। अब आप देखिए कि यही इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर होता, ये काट दीजिए, तो अब कितनी पॉसिबिलिटी थी, यहां हो सकता था, यहां हो सकता था, यहां 3 हो सकती थी, ये अपनी जगह पर फिक्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होता, यहां होता तो कितनी पॉसिबिलिटी होती, 2 होती, और ये इलेक्ट्रॉन यहां होता तो कितनी पॉसिबिलिटी होती, 1 होती। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14, 15 तो यही हो गई सीधे सीधे हो गई, ठीक है। Yes, ma'am. अब क्या होता, अब क्या होता, ये जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ सीधा किया इसको उल्टा कर दीजिए और वही कंडीशन लगा दीजिए, एक ये जो है ना जो इलेक्ट्रॉन सीधा था इस इलेक्ट्रॉन को उल्टा कर दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां है तो 5 पॉसिबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन यहां होगा तो 4 पॉसिबिलिटी होंगी, यहां होगा तो 3 होंगी, यहां होगा तो 2 होंगी, यहां होगा तो 1 होंगी, टोटल 15 और हो सकती है, हो सकती है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर फिक्स है, इसको नहीं हिलाया हमने अभी, हो सकती है। Yes, ma'am. तो 15 × 2 = 30 तो यही हो गई। अब इसको चेंज करना है, अगले केस में क्या करना है, इसको चेंज कर देना है, ये इसको उल्टा कर दे और उसकी कंडीशन वही रहे। अगर आप टोटल देखेंगे ना तो 60 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, कितने तरीके से वो अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अब अरेंजमेंट के लिए जगह बढ़ गई ना भाई। हमारे घर में कमरे जितने ज्यादा होंगे उतनी मोबिलिटी बढ़ेगी हमारी, जितना ज्यादा जगह होगी उतना ही तो घूमेंगे, जितनी कम होगी उतनी कम जगह घूमेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। उसके पास तो पी ऑर्बिटल भी है उधर डी, और कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्योंकि इसकी स्पिन ऊपर भी हो सकती है, इसकी नीचे भी हो सकती है, सेम केस यहां पर है, इसकी भी ऊपर हो सकती है, इसकी नीचे हो सकती है, ऐसे अगर हम अरेंज करेंगे तो टोटल 60 है। जबकि अकेले अकेले देखेंगे तो इसकी केवल 6 पॉसिबिलिटी थी, इसकी केवल 10 थी, लेकिन जब दोनों मिल गए तो ज्यादा पॉसिबिलिटी हो गई। तो ये भी कैलकुलेट करने को आते हैं कई बार एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस की, आप जो माइक्रो स्टेट्स हैं वो कैलकुलेट कीजिए, तो आप क्या करेंगे कि इसकी कैलकुलेट करेंगे, इसके कैलकुलेट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आप एक्साइटेड स्टेट की भी ग्राउंड स्टेट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इतना क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूले से भी क्लियर हो जाए तो। वैसे अगर आपको क्लियर अंदाजा आ रहा है कि मैं ये कह रही हूं केवल कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको अरेंजमेंट करने के कितने तरीके हैं, बस इसका मतलब माइक्रो स्टेट है, क्योंकि तरीके से ही उसकी ML और MS वैल्यू अलग अलग आएंगी, तो वही उसी पर डिपेंड करती है माइक्रो स्टेट। अब थोड़ा क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो माइक्रो स्टेट में कोई ऐसा टेंशन नहीं है, कितनी पॉसिबिलिटी है बस उसकी बात कर रहे हैं हम। अब हम देखेंगे कि हम जो है यहां पर, अब हमने, मैंने आपको जो टर्म्स बताई थी बच्चों, उसमें स्पेशली कहा भी था कि ये जो मुलिकन टर्म्स मैंने आपको बताई थी, इसमें स्पेशली ये भी कहा था मैंने कि ये जो टर्म्स है ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के हैं। तो यहीं पर मैं आपको क्या करूंगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस की भी टर्म्स के बारे में बता दूंगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस भी मैं आपको यहां पर बताने जा रही हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में हम ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रही हूं हाँ, क्योंकि हम मुलिकन टर्म्स की बात कर रहे हैं। एटॉमिक टर्म तो हमें पता है, एटॉमिक टर्म भी हम निकाल लेंगे, हम स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स की भी एटॉमिक टर्म निकालेंगे। यही पर सिखा दे रही हूं ताकि टेनेबो सुगानो डायग्राम में आपको ज्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स है दे मे बी स्ट्रॉन्ग, दे मे बी वीक, हो सकते हैं भाई। अगर जो है वो किसी कॉम्प्लेक्स के साथ अगर क्या होगा, सीएन लिगेंड है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए,
साइनाइड लिगेंड। तो वो कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है। अगर वहीं पर मैं कह दूं कि NH3 है या H2O है तो वो कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। तो भाई अगर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, वीक लिगेंड, उस पर डिपेंड करेगा ना इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा हो, उस पर डिपेंड करेगा। किसका डिपेंड करेगा? अब आप ये भी देखिए, किन किन कॉन्फ़िगरेशन का डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड होना, वो किन किन कॉन्फ़िगरेशन का डिपेंड करेगा? डी किसका करेगा बता सकते हैं? D1 का करेगा? D1 पर वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का फर्क पड़ेगा? नो मैम, नहीं पड़ेगा। D2 पर पड़ेगा? नो मैम, मैम हाँ D3 पर भी नहीं पड़ेगा। तो इन पर तो असर नहीं पड़ने वाला है, वीक फील्ड हो कि आप फील्ड हो। अब ये जो है D4 है, D5 है, D6 है और D7 है, इन्हीं पर तो पड़ेगा। इसके बाद देखिए D8 पर नहीं पड़ता है, आपको पता होगा। D9 पर नहीं पड़ता है, D10 पर नहीं। ये चार कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है ना जिनका स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो अरेंजमेंट है वो अलग होगा और वीक फील्ड में अलग होगा, ये तो आपको पता है। ये पता है या करके दिखाना है? हैं, बोलते नहीं हो तुम लोग जो है वो। ये देखो ये है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड बना दिया मैंने, ऊपर वीक फील्ड बना दिया। तो 8D8 कॉन्फ़िगरेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने वीक फील्ड में भरे इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में भरूं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। यस मैम, चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो ये छह कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जिनमें की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट एक सा आता है। लेकिन ये चार कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अलग अलग आएंगे। इसलिए आप देखेंगे अगर मैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करूं, तो D1 की अगर मैं बात करूंगी ना, तो D1 के केस में चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, ग्राउंड स्टेट टर्म वही रहेगी, बदलेगी नहीं, वही रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम। अब मैं D4 दिखा रही हूं आपको। D4 अगर मैं दिखाऊंगी तो देखिए, ये जो मैंने बनाया, ये बनाया वीक फील्ड, ठीक है, और ये मैंने बनाया स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब मैं D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4, ये है वीक फील्ड, ठीक है, और 1 2 3 4 ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड। ओके, तो अब आप देखिए कि यहां पर जो हमने लेफ्ट साइड में जो ग्राउंड स्टेट टर्म निकाली है ना, ये वीक फील्ड के लिए, वो क्या निकली थी हमारी? अब इसको ऐसा अरेंजमेंट भी देख लीजिए इसका, देखिए आसान हो जाएगा आपके लिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4, ये +2 था, ये +1 था, ये 0 था, ये -1 था, ये -2 था। अब इसका अरेंजमेंट भी देख लें, इसका अरेंजमेंट कैसा होगा? 1 2 3 4, +2 +1 0 -1 -2। अब मुझे आप ये बताइए कि जो पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है, इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या निकली यहाँ से? अगर आप कैलकुलेट करेंगे 2D 5D निकली, ठीक है, 5D निकली, और 5D की, ये 5D तो एटम की निकली, और अगर मैं इसको ग्राउंड स्टेट मानू, ये ग्राउंड स्टेट ही तो होगी, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। वैसे ये मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने स्प्लिटिंग कर दी है। तो यहाँ पर ये टर्म क्या है? ये ग्राउंड स्टेट है, इस टर्म का नाम क्या होगा? ईजी। ये जो टर्म है ये क्या है? ईजी यानी 5EG, ये क्या टर्म है? 5EG, ये तो आपको आ गया है। अब हम यहां चलते हैं, अगर मैं इस अरेंजमेंट की बात करूं, यहां पर अगर ये एटम होता, एटम या आयन, तो ऐसे अरेंजमेंट होता स्ट्रॉन्ग फील्ड का, तो यहां पर L कितनी आएगी? ये +2 वाले में है, ये +1 वाले में है, ये 0 वाले में है, -1 -2, आप बताइए कितनी आएगी L? 5। जोर से बोलो, 5 आएगी, 5 आएगी ना, 2 यहाँ है, 1 2 3 4 5, 5 आ गई। S कितनी आएगी? 1 1 1। अभी स्टेट क्या होगी? देखिए, हाँ, L इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, SPDFGH, क्या ही स्टेट? L इज इक्वल टू 5H, क्या आ गई? H आई 3H,
नहीं, जीरो का मतलब एस, वन टू थ्री फोर फाइव, क्या आई? एच में, एच एच आई, स्टेट है एच। मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? थ्री। तो अब आप देख लीजिए, जब है मल्टीप्लिसिटी कितनी है, थ्री आएगी ना बेटा, ये वन है ना, एस इज इक्वल टू वन, तो मल्टीप्लिसिटी थ्री। अब आप ये देख लीजिए कि जब ये वीक फील्ड था तब इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या थी, फाइव डी। जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया तो देखिए इसकी इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म बदल गई, थ्री एच हो गई, और इसकी मल्टीप्लिसिटी भी बदल चुकी है। इससे आपको टेनेबो सुगानो डायग्राम सीखने में बहुत मदद मिलेगी बाद में। अब 3H आपको पता लग गया है, ये तो 3H किसकी, एटम की, एटम, ये एटॉमिक टर्म है। जब हम इस कॉम्प्लेक्स को नहीं बोल रहे थे हम, ये एटॉमिक टर्म थी। अब जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म स्प्लिट होगी मुलिकन टर्म में, तो इस टर्म का हम कुछ नाम देंगे। ये जो है ये ग्राउंड स्टेट है ना इसकी, एक्साइटेड स्टेट में तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा यहां, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, ये जहां पर चार इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज हैं, इस इसको भी तो नाम देना है हमने, जैसे हमने यहां पर ईजी कहा, कहा ईजी, इस स्टेट को हमने ईजी कहा, ऐसे ही हम स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए भी तो इसको कुछ नाम देंगे, देंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाम देंगे। उसको नाम देने का तरीका दूसरे तरीके से हम दिखाएंगे अभी कैसे। वह तो ये टी, टी इज एसिमेट्रिकली फील्ड, पर कौन सी टी है ये हमें देखना है, ठीक है? इतना क्लियर है? Yes, ma'am. अब आप डी फाइव का बताइए मुझे, डी फाइव वीक फील्ड में क्या इसकी वो होती है, जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है, सिक्स एस होती है, ठीक है? और इसको हम ए वन जी भी कहते हैं, सिक्स ए वन जी हो जाती है, ठीक है? अब मैं इसी को अरेंज करूं, अगर यहाँ पर ये देखिए, ये है जब मेटल एटम है, ठीक है, और जब ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो ये इसका अरेंजमेंट, ताकि आपको ये मैं इसलिए दिखा रही हूं ये, ताकि आपको स्टेट कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो ये स्टेट क्या आई, यहां पर एल कितना आया, ये प्लस टू है, ये प्लस वन है, ये जीरो है, एल कितना six. आया सिक्स आया, तो ये कौन सी स्टेट होगी, आई, आई होगी। कितनी आई होगी, इसका एस कितना है, हाफ है, तो कितनी होगी, टू, टू आई। अब देखिए इसकी तो सिक्स एस थी और इसकी टू आई आ गई, हुआ अंतर, दोनों की ग्राउंड, दोनों जो एटॉमिक टर्म है उनमें अंतर आ गया, आ गया अंतर, ठीक है? स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो अलग अलग होती है। अब आप देखिए यहां पर ए वन जी कह रहे थे हम इसको, इसकी जो मुलिकन टर्म थी कॉम्प्लेक्स की, यहां पर क्या इसको ए वन जी कहेंगे हम, नो मैम, ये किस तरीके की टर्म आएगी, मुलिकन टर्म आएगी उसमें है, मतलब ये टर्म वैसे किस तरीके की आएगी, टी टी टाइप की आएगी ना, टी आएगी। अब वो टी कैसी आएगी वो हम देखेंगे। तो अब आप, आपके क्लियर हो रहा है दिमाग में जो मैं बात कहना चाह रही हूँ? Yes, ma'am. चार कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं, डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन, जहां पर जो जो ग्राउंड स्टेट है वो अलग अलग है, दोनों की बाकियों में एक सी है, ठीक है? तो अब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम ये वाली ग्राउंड स्टेट टर्म बताते हैं, ये वाली, ठीक है? इसके लिए हम एक टेबल पर जाएंगे, कैसे देखते हैं इसको, इसको मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए एक एक जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं उनके मल्टी उनके प्रोडक्ट की टेबल पर हम जाएंगे, थोड़ा हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा तो हमें बहुत कठिन नहीं रहेगा। तो हम यहाँ जा रहे हैं, देखिए एक टेबल दिखाई दे रही है आपको, टेबल दिख रही है बच्चों? Yes, ये मुलिकन टर्म जो होती है, मुलिकन टर्म्स भाई यही तो होती है, या तो ई होती है, टी होती है, ए होती है, तीन ही तो होती है, उनका मल्टीप्लिकेशन दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट टेबल दिखा रखी है। और इस प्रोडक्ट टेबल में से हम बहुत आसानी से, अगर हमें प्रोडक्ट टेबल में थोड़ा सा ध्यान रहे तो फिर हम आसानी से ग्राउंड स्टेट टर्म, मुलिकन टर्म, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस की भी निकाल सकते हैं।
देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ये ए वन ए टू ई टी वन टी टू और ये तो ये हमने प्रोडक्ट दिया। देखिए ए वन इंटू ए वन इज इक्वल टू ए वन, ए वन इंटू ए टू इज इक्वल टू ए टू, ए वन इंटू ई टू ई इज इक्वल टू ई। तो आप ये देखेंगे जब भी हम ए टर्म को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमें वही टर्म मिलेगी जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ए वन को ए वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन मिलेगा, ए वन को ए टू से करेंगे तो ए टू मिलेगा, वही टर्म मिलेगी जिससे हम ए वन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नंबर वन पॉइंट, A2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दूसरी टर्म मिल जाएगी। जैसे हमने A2 को A1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गई, हमें मिल गई A2। A2 को जब हमने A2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें A1 मिल गई। मतलब जब हम A1 से कर रहे हैं तो A2 मिल जा रही है, A2 से कर रहे हैं तो A1 मिल रही है, E को छोड़ दीजिए, T1 से कर रहे हैं तो T2 मिल जा रही है, T2 से कर रहे हैं तो T1 मिल जा रही है। दूसरी अपोजिट जो मल्टीप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो अपोजिट हमें इसमें टर्म मिल रही है। और अगर आप देखेंगे कि ए को ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी डिजेनरेसी कितनी होती है ए की, वन वन, इसकी भी वन है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो वन ही आएगा, तो इसकी डिजेनरेसी भी वन आएगी। ए वन को ए टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजेनरेसी एक आनी चाहिए, ए वन को ई से मल्टीप्लाई करेंगे टू होता है ये वन होता है, तो कितनी डिजेनरेसी आनी चाहिए, टू आनी चाहिए। A1 को T1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन आनी चाहिए क्योंकि इसकी डिजेनरेसी तीन होती है, इसकी एक होती है, तो तीन आ गई। देखिए डिजेनरेसी मल्टीप्लाई करने पर डिजेनरेसी भी उतनी आनी चाहिए जितनी दोनों का प्रोडक्ट होगा। अब देखिए जब E को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी हम A1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है जो होता है। तो यहां पर तो देखिए आप डिजेनरेसी कितनी है, टू इंटू ए इज इक्वल टू टू आ जाएगी, ई इंटू ए टू इज इक्वल टू टू आएगी, तो टू का मतलब तो होता ही ई है। अब ई से मल्टीप्लाई होगा, देखिए ई की डिजेनरेसी कितनी होती है टू, E की डिजेनरेसी टू, जब E E से मल्टीप्लाई होगा तो डिजेनरेसी कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। तो जब भी ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ए वन प्लस ए टू प्लस ई होता है। ए वन का मतलब एक डिजेनरेसी, ए टू का मतलब एक डिजेनरेसी और ई का मतलब दो डिजेनरेसी, सो टोटल चार डिजेनरेसी आती है यहां पर। अगर मैं ई को टी वन से मल्टीप्लाई करूंगी तो ई की डिजेनरेसी कितनी होती है दो और टी की कितनी होती है तीन, तो तीन दुनी छह, छह। तो जब ये स्प्लिट होगा तो ये तीन और तीन यानी टी वन और टी टू में ही स्प्लिट होगा हमेशा। जब E और T मल्टीप्लाई होंगे तो T1 और T2 में ही ये स्प्लिट होंगे। ऐसे ही E और T2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो T1 और T2 में ही स्प्लिट होंगे। ये डिफाइंड है कि ये प्रोडक्ट टेबल है। और जब मैं T1 को A1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो T1 आएगा, A1 T1 को A2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे पता है कि जब मैं A2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो T1 T2 में कन्वर्ट हो जाता है। और जब मैं E को T1 से मल्टीप्लाई करूंगी, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं, तो वो T1 प्लस T2 आ जाएगा। हाँ, T1 को T1 से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तीन है और ये तीन है, तो टोटल नौ आना चाहिए, तो वन टू थ्री थ्री, तो ये कितना आ गया, नाइन आ गया। तो A1 E1 E T1 T2 ये बनेंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज अभी करेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक है, ये टेबल है। अब मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं कि कैसे हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। देखिए जब ये D1 की बात कर रही हूं, जब इलेक्ट्रॉन T2G में है, एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, T2G में, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, जब एक इलेक्ट्रॉन T2G में होता है तो उस स्टेट को हम T2G कहते हैं, T2G, एक इलेक्ट्रॉन तो टू, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हम T2G कहेंगे और अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो T1G कहेंगे। ये बेसिक चीज अगर आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, इसको हमें अभी ध्यान में रखना पड़ेगा, हम कैलकुलेशंस पर नहीं जा रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन होगा T2G में तो वो T2G होगी और जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो T1G होगी, दो में एक वन आएगा और एक में दो आएगा। तो ये क्या हो गई, D1 जब कन्फिग्रेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, T2G कहते हैं। और जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे, है देखिए यहां पर आप बताइए मुझे कौन एसिमेट्रिकली फील्ड है, अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को देखूं तो कौन एसिमेट्रिकली फील्ड है, T2G, तो आनी तो स्टेट T ही है। अब T1 आएगी कि T2 आएगी, ये डिपेंड कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है या दो है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो T2 है, दो इलेक्ट्रॉन है तो T1G, इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। yes, ma'am. ठीक है, अब आइए D3 में। D3 में अगर आप देखेंगे कि तीन इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, अब जब तीन इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो इसकी डिजेनरेसी कितनी होगी, सिमेट्रिकली फील्ड है तो इसकी डिजेनरेसी कितनी होगी, ए होगी, ए तो हमें पता ही है, ए होगी। अब ए टू जी होगी या ए वन जी होगी ये देखना है। तो क्या होता है कि जब इस तरीके की फिलिंग होती है, अगर ये पांचों के पांचों भरे होते हैं ना, मतलब हाफ फिल्ड होते, तब हम उसको ए वन जी कहते हैं।
अगर ये पांचों के पांचों हाफ फिल्ड होते तब हम उसे ए वन जी कहते हैं, वो कंप्लीटली सिमिट्रिकल होता है। ये कंप्लीटली सिमिट्रिकल नहीं है अभी, तो जब ये कंप्लीटली सिमिट्रिकल नहीं है तो हम इसको ए टू जी कहते हैं। जब ये कंप्लीटली सिमिट्रिकल होता है तब ये ए वन जी होता है, और जब ये कंप्लीटली सिमिट्रिकल नहीं होता है तब ये ए टू जी होता है। ये तीन बातें अगर आपने ध्यान रख ली तो फिर हम मल्टीप्लीकेशन करके किसी भी ग्राउंड स्टेट टर्म को निकाल सकते हैं। जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा टी में तो वो टी टू जी होगी, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो टी वन जी होगी, और जब ये आधा सिमिट्रिकल है, मतलब आधा सिमिट्रिकल मतलब आधे में इलेक्ट्रॉन भरे हैं आधे में नहीं भरे हैं, तो उसको हम ए टू जी कह रहे हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हमने ध्यान रख ली, ओके। और मैंने आपसे कहा कि जब जब ये पांचों के पांचों हाफ फिल्ड होंगे तो ये ए वन जी होगी, कंप्लीटली सिमिट्रिकल हो गया, इस स्टेट को हम कहते हैं ए वन जी। तो अगर हमने ये कन्फिग्रेशन जान लिए, अब मैं फिर से आ रही हूं, एक बार आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ये मैं आपसे कह रही हूं कि कोई भी कन्फिग्रेशन हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो, डी वन तो ऐसे ही होगा और डी टू ऐसे ही होगा और डी थ्री ऐसे होगा, और एक हम डी फाइव को और ध्यान रखते हैं, ये डी फाइव है वीक फील्ड, ठीक है। तो मैंने आपसे ये कहा कि जब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा टी टू जी में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस स्टेट को कहेंगे तो टी, कौन सी टी होगी, एक इलेक्ट्रॉन है तो कौन सी टी होगी, टी टू जी, टी टू, ठीक है। और अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगी, टी वन जी, टी वन जी, एंड तीन होंगे तो ये हाफ सिमेट्रिकल है तो ये क्या हो जाएगी, ए टू जी, और जब कंप्लीटली सिमेट्रिकल है इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ए वन जी है। अगर आपको ये चार चीजें आ गई तो फिर हम किसी भी स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ओके। अब मैं वापस आ रही हूं, अब हम देखें, अगर मैं डी फोर कन्फिग्रेशन की बात करूं, ये क्या आ गया, ये कौन सा कन्फिग्रेशन है, अब मैं पहले आती हूं डी फोर पे, देखिए डी फोर, ये डी फोर, दोनों डी फोर कन्फिग्रेशन है, ये वीक फील्ड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है। अब इस वाले वीक फील्ड को देखिए, यहां पर कौन एसिमेट्रिकली फील्ड है, ई है, तो ये स्टेट सीधे सीधे ईजी है, तो कुछ करना ही नहीं है, ये सीधे सीधे क्या है, ईजी है, अगर ई जो एसिमेट्रिकली फील्ड है तो ये ईजी है, ठीक है। अब आइए स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड में चार इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट ऐसे होगा, तो हम ये देखेंगे कि ये इसमें जो एसिमेट्रिकली फील्ड है वो कौन है, टी फील्ड है, होगी तो ये टी स्टेट। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या मान सकते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डी थ्री एंड डी वन, मान सकते हैं। देखिए अगर मैं ये नीले रंग का इलेक्ट्रॉन अलग दिखाया हुआ है मैंने, तो तीन लाल रंग के इलेक्ट्रॉन है और एक जो है वो नीले रंग का है, तो मैं किसको ऐसा कह सकती हूँ कि डी थ्री प्लस डी वन का कॉम्बिनेशन है, डी थ्री प्लस डी वन का कॉम्बिनेशन है डी फोर। और अगर मैं डी थ्री को देखूं, डी थ्री को अगर आप देखिए तो इसका नाम क्या होगा, डी थ्री, जबकि ये कंप्लीटली सिमेट्रिकल नहीं है तो ये उसको क्या कहेंगे हम, डी थ्री को, अभी मैंने आपको बताया है ए टू जी कहेंगे, जब ये कंप्लीटली फील्ड नहीं तो ए टू जी कहेंगे, और जब एक इलेक्ट्रॉन टी टू जी में होता है डी वन का, डी वन के लिए क्या होती है हमारी, टी टू जी होती है, तो यानी ए टू जी और टी टू जी देखना है हमें। जब हम ए टू जी जब किसी टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो उसको बदल देता है, तो ए टू जी जब टी टू जी से मल्टीप्लाई होगा तो टी वन जी हो जाएगा, इसलिए ये स्टेट क्या होगी, टी वन जी होगी। ये आपने टेबल में देखा था, जब ए टू जी किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो उसको बदल देता है, तो ये टी टू जी को टी वन जी में बदल देता है। तो ये बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि ये वाली स्टेट क्या होगी, टी वन जी होगी। तो शायद अब वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में भी आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सी स्टेट कौन सी होगी, जो मैं आपसे कह रही थी कि याद करनी पड़ेगी, अभी आपको और आ जाएगा आगे आगे। अब देखिए D5 में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपसे कहा कंप्लीटली है तो ये A1G स्टेट है, ठीक है, और यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड को हम क्या कह सकते हैं, किसका कॉम्बिनेशन है, D3 प्लस D2। D3 क्या है, D3 की स्टेट क्या होती है, A2G। और T2, और जब D2 होता है तो उसकी क्या होती है, T1G होती है। जब A2G T1G से मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे देगा, T2G दे देगा, तो इसकी स्टेट क्या होगी, T2G होगी। समझ रहे मेरी बात, तो आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती, दो चार जगह पर रटने की जरूरत होगी, जैसे एग्जाम में कभी आ जाते हैं कहीं पर भी, मैं इसकी बात भी नहीं कर रही हूँ, कभी नेट वेट के एग्जाम में आ जाती है ऐसी चीजें। अब आप मुझसे बाद में पूछेंगे ना मैडम T2G कैसे आ गई, आपने अपनी मर्जी से कहां से लिख दी, जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करेंगे तो वो आपको मैं यहां पर बता रही हूं, हो सकता है वहां पर भी हम एक बार उसको दोहराएंगे। अब आप देखिए D6, ये क्या है,
वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है। तो इस डी सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं? D5 नहीं लिख सकते। ये देखो ये D5 पांच इलेक्ट्रॉन लाल रंग के और एक जो है नीले रंग का है, इसको D1+D5 लिख सकते हैं? Yes, लिख सकते हैं। तो D5 को हम क्या कहते हैं? ये देखिए लिखा हुआ है D5 को हम क्या कहते हैं? A1G कहते हैं। और D1 को हम क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। T2G कहते हैं। T2G कहते हैं। तो जब A1G T2G से मल्टीप्लाई होगा तो जब 1 मल्टीप्लाई होता है तो वही प्रोडक्ट दे देता है, T2G देगा। जब A1 मल्टीप्लाई होता है तो T2G देता है, इसलिए इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म T2G ही होगी। जब A1 मल्टीप्लाई होता है तो वही टर्म देता है, जब A2 मल्टीप्लाई होता है तो बदल देता है, तो टर्म क्या आ जाएगी? A2G। यहां पर देखिए D6 कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? D3+D3 लिख सकते हैं इसको हम? इसको हम क्या लिख सकते हैं? D3+D3 क्या था? A2G। और दूसरा D3 भी क्या? A2G है। और अब आप टेबल में आ जाइए, जब A2G को A2G से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए A2 को A2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? A1 आ गया। A1 आ गया तो उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म A1 होगी। अब देखिए D7, देखिए D7 आप देखिए यहां पर, ये किसका कॉम्बिनेशन है? D5+D2 का। D5 क्या है? A2G। और D2 क्या है? D2 क्या होता है? A2G T1G से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? जब A2G T1G से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? A1G। नहीं, A2G जब T1G से मल्टीप्लाई होगा, A2 तो बदल देता है, वो A1G होगा ना। D5 है ना यहाँ पे, तो A1G होगा मैम, वो D5 है ना, तो A1G होगा। ठीक है ठीक है, हाँ A1G होगा तो T1G आ जाएगी। A1G जब T1G से मल्टीप्लाई होगा तो T1G आ जाएगा। ठीक है, तो बस हमें इतनी चीजें ख्याल रखनी है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखिए, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर EG एसिमेट्रिकली फील्ड है, तो ये AG होगा। ध्यान तो हमें T1G और A1G में देना है, वहां पर मल्टीप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब E है तो फिर E टर्म है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आप देखिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, जो D8 देखिए, D8 तो दोनों में एक सा है, तो D8 किसका कॉम्बिनेशन है? D5+D3 का। D5 क्या है? A1G। और D3 क्या है? A2G। ठीक है, जब A1G A2G से मल्टीप्लाई करता है तो वही टर्म देता है जो होती है, तो A2G आ जाएगी। और D9 को अगर आप देखेंगे तो यहां पर EG इज एसिमेट्रिकली फील्ड, इसलिए EG इज द ग्राउंड स्टेट टर्म। तो इतना क्लियर हुआ? यस मैम। तो इसके लिए आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। आप उसके लिए जब हम प्रैक्टिस करेंगे और इस टेबल के बारे में सोचेंगे, देखेंगे, तो फिर आप जो है वो इजीली इसको कर सकते हैं। अब हमने ये भी समझ लिया कि जो टर्म अब जो आप मुझसे पूछते, जो मैं आपसे कह रही थी अभी, क्योंकि एफ टर्म आ रही है ना, एफ टर्म, ये एफ आने वाली, इस एफ की स्प्लिटिंग आने वाली है इसलिए। और देखिए मैंने आपसे कहा था एटॉमिक टर्म तो कहीं तक भी हो सकती है, GHIJ जहां तक जाए, क्योंकि ये हमने इसलिए कही थी क्योंकि आपने देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखिए जी भी है, एच भी है, आई भी है, ये भी ग्राउंड स्टेट टर्म होती है एटम की, इसलिए जरूरत थी इन सब की। और ये सब टर्म्स भी क्या होती है, कुछ मॉलिक्यूल टर्म्स में स्प्लिट होती है। ये देखिए एच है तो वो इनमें स्प्लिट होगा, आई है तो वो इनमें स्प्लिट होगा, स्प्लिट होगा ही होगा, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी किस किस में स्प्लिट होगा। ठीक है, और इन स्प्लिटेड टर्म में से कोई एक ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। जैसे अभी आपने कैलकुलेट किया कि हमने जैसे ये कहा ना, आपने किसकी, हमने अभी ग्राउंड स्टेट निकाली थी, एक की एच आई थी, किसकी एच आई थी आपने लिखी है? D4 की आई थी मैम स्ट्रॉन्ग फील्ड। D4 की स्ट्रॉन्ग फील्ड में, D4 की स्ट्रॉन्ग फील्ड में आई थी 3H आई थी। ठीक है, और D4 की स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो ग्राउंड स्टेट टर्म वैसे कैलकुलेट होके आ रही थी वो क्या आ रही थी? D4 की, ये देखिए क्या आ रही थी, T1G आ रही थी ना, ये T1G आ रही थी ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात कर रही हूँ, T1G तो आ रही थी, देखिए 3T1G आ रही थी। ये इसका जो S है ना, इसका जो S है वो कितना है, देखिए D4 देखिए आप, इसका S कितना है, ये है D4, इसका S कितना है, वन है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, थ्री। तो 3T1G आ रही थी ना, इसकी जो 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 कॉम्प्लेक्स की जो आ रही थी वो 3T1G आ रही थी, आ रही थी,
कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी मैं आपके कहां पर थी, मैंने आपसे ये कहा, आपने खुद बताया मुझे कि जो डी फॉर स्ट्रॉन्ग फील था उसकी जो ग्राउंड स्टेट टर्म थी एटम की वो थी 3H, और इससे जो हमारी जो कॉम्प्लेक्स की निकल के आई वो 3T1G निकल के आई। लेकिन टर्म में भी तो स्प्लिट होगा, जैसे जैसे वीक फील्ड में स्प्लिट हो रहा था, ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी आपने देखा ना, अभी तो देखा कि जिसकी ग्राउंड स्टेट टर्म थी ये देखिए ये कितनी आई, 3T1G आई। किसकी थी ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की थी, है ना। और ये जो 3H कह रहे हैं ये किसकी है, एटॉमिक टर्म, एटॉमिक है और ये मोलिकिन है। अब आपने देखा कि ये 3H, तभी तो आप देखिए इनकी मल्टीप्लिसिटी सेम आ रही है, आप देख रहे हैं इनकी मल्टीप्लिसिटी सेम आ रही है। इसका मतलब ये जो T1G जनरेट हो रही है वो कहां से जनरेट हो रही होगी, 3H से, 3H से ही तो जनरेट हो रही होगी, तभी तो उसकी मल्टीप्लिसिटी सेम है। और आप देख सकते हैं जब H स्प्लिट होता है तो इतनी सारी स्टेट में स्प्लिट होता है, देखिए E में दो T1 बनती है और एक T2 बनती है, और उन दोनों T1 में से एक T1 ये है जो कि ग्राउंड स्टेट होती है, बाकी वो दूसरी टर्म्स होंगी। बाकी जो टर्म्स होंगी देखिए, आप देखिए H जो है, H किस में स्प्लिट हो रहा है, E में स्प्लिट हो रहा है, दो T1 में हो रहा है और एक T2 में हो रहा है, तो उसमें से जो T1 है वो ग्राउंड स्टेट टर्म है इसकी, और जो बाकी बचा E, एक T1 और एक T2 वो क्या होंगी, एक्साइटेड स्टेट टर्म होंगी। बहुत आसानी से हम स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस की भी स्प्लिटिंग देख सकते हैं। ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये किस किस टर्म में ये स्प्लिट होता है, ये मैं भी आपको दिखा रही हूँ। एफ के बारे में तो मैं भी आपको दिखा रही हूँ, बाकी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। डी जनरेसी आपको जरूर है कि अगर इसकी सात होती है तो इनकी भी टोटल सात आएगी, इसकी अगर नौ होती है तो इनकी भी नौ आएगी, इसकी अगर 11 होती है तो इसकी भी 11 आएगी, और इसकी अगर 13 होती है तो इसकी भी 13 आएगी। बस ये कंप्लीट आप देखेंगे, ठीक है, ये वेल डिफाइंड है, इसमें इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम जी एच आई की स्प्लिटिंग नहीं बता रहे, केवल एफ तक स्प्लिटिंग बताऊंगी कि एफ की स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो एकदम अलग है, और देखिए जो उससे भी जो ग्राउंड स्टेट टर्म निकल के आई कॉम्प्लेक्स की, वो थ्री दोनों की मल्टीप्लिसिटी सेम थी या नहीं थी, थी। तो इसका मतलब है कि जो एच स्प्लिट होती है वो इतनी टर्म्स में स्प्लिट होती है, उन टर्म्स में से एक टर्म जो है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट टर्म है, जो कि 3T1G है। बस अभी इतना समझ लीजिए। तो हमें सारी स्टेट्स निकालनी आ गई, हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड की भी निकालनी आ गई और वीक फील्ड की भी निकालनी आ गई, ग्राउंड स्टेट टर्म्स आ गई है। यस मैम, यस मैम। प्रैक्टिस करेंगे बेटा तब आएगी, हाँ नहीं तो फिर मुश्किल होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही हूं कि अब हम आते हैं वापस, कहाँ आ रहे हैं, मैंने आपको पिछले बार स्प्लिटिंग बताई थी ना डी की, डी की स्प्लिटिंग बताई थी और आपको क्वेश्चन भी दिया था, एक बच्चों ने मुझे करके भी भेजा था। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वहां पर केवल जो टर्म्स थी वो डी इज द ग्राउंड स्टेट टर्म। अब मैं बात कर रही हूँ एफ टर्म की, एफ टर्म अगर होगी तो वो कैसे स्प्लिट होती है, एफ की डीजेंडेसी कितनी है, कितनी होती है, सेवन होती है, ठीक है, सेवन होती है। अब जो है मैं एक ऐसा कन्फिग, कौन कौन से कन्फिग्रेशन थे जिनकी ग्राउंड स्टेट टर्म एफ थी, D2, D3, D7 and D8। वेरी गुड, D3। अब आपको याद हो गया, बस ऐसा याद हो जाना चाहिए कि किसकी है, तो आप वहां भी कर पाएंगे D7 and D8। तो हम ये कन्फिग्रेशन लेते हुए चल रहे हैं, D2 कितनी आई थी, एफ कितनी एफ थी, हो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे D2 में, 3F होगी, ठीक है, 3F होगी। अब मैं 3F को लेते हुए चल रही हूँ, 3F जब होगी, ये तो एटॉमिक टर्म है, अब मैं कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की मैं एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट बनाते हुए चल रही हूँ, ठीक है। अब D2 कन्फिग्रेशन है, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज रहेंगे, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। और जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट 1 हो जाएगी, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो गए तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट 2 हो जाएगी, हो जाएगी, D2 की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है बच्चों, इतना तो आ रहा होगा, ठीक है। अब आप इस टर्म को बताइए, ये वाली टर्म देखिए, ये जो ग्राउंड स्टेट है इसमें ये बताइए कि इसकी डीजेनरेसी कितनी होगी, T2। हाँ मतलब 3 है ना,
अब तो आप ये भी बता सकते हो कि ये टर्म कौन सी है. देखिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये टर्म कौन सी, अब तो आप बता भी सकते हो, मैंने आपको बता दिया है. हाँ यस, अब तो कुछ भी याद नहीं करना है. अब आपको अगर ये समझ में आ गया, टी वन जी है, कितने टी वन जी है, थ्री टी वन जी है, थ्री से जनरेट हो रही है ना, तो ये थ्री टी वन जी है. ठीक है, यानी इसकी डिजेनरेसी थी तीन. अब ये बीच वाले में आइए, इसकी डिजेनरेसी कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से इसकी डिजेनरेसी. दोनों एसिमेट्रिकल हो गए ना, टी टू जी बी और ई जी बी. अब इसकी डिजेनरेसी कितनी होनी चाहिए, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है. कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसके, ये देखिए यहां पर मैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखा रही हूं. डीजेनरेसी का मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. ओफो, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां है, ये इलेक्ट्रॉन यहां है, एक ये है. ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता 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 है. समझ में आ रही बात. एक पॉसिबिलिटी यह है ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे हो, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां हो और ये यहीं रहे. फिर एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये बीच वाले में है, ये यहां रहे, ये बीच वाले में, ये दूसरे वाले में चले जाए. फिर एक पॉसिबिलिटी, ये है पॉसिबिलिटी, है इसकी शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी. यस मैम. कितनी हो गई, कितनी पॉसिबिलिटी, सिक्स. सिक्स, तो डिजेनरेसी कितनी हो जाएगी, सिक्स. बस सीधी सी बात है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन यहां है ईजी में और तीन इलेक्ट्रॉन यहां है तो तीन पॉसिबिलिटी इसकी होंगी, दो इसकी होंगी, तीन दूनी छह, टोटल जाके छह हो जाएंगी पॉसिबिलिटीज की. तो सिक्स डिजेनरेसी, तो सिक्स डिजेनरेसी का कोई टर्म पढ़ा है आपने अभी तक, आपने पढ़ा है, आपने कौन कौन सी डिजेनरेसी के टर्म पढ़े हैं अभी तक. सिक्स का नहीं पढ़ा आपने, कौन कौन से डिजेनरेसी के पढ़े, फाइव सेवन नहीं, वो वाले नहीं, वन टू वो टर्म नहीं, वन टू थ्री के पढ़े ना. वन के लिए क्या थी डिजेनरेसी, और टू के लिए और टी, यानी तीन ही पढ़ी आपने, इसके अलावा तो कोई पढ़ी नहीं है. मूलिकिन टर्म तो यही तीन होती है, इसके अलावा तो कोई टर्म होती ही नहीं है, जबकि इसकी डिजेनरेसी कितनी है, छह. ठीक है, अभी इसको छोड़ रहे हैं, अभी अभी देखेंगे. हाँ, अब आ जाते हैं तीसरी. अब इसकी पॉसिबिलिटी बताइए, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, वन होगी, ए वन है. अब ये स्टेट क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, ए टू जी होगी कि ए वन जी होगी. टू इलेक्ट्रॉन है तो ए वन होनी चाहिए, और पांच होते तो कितनी होती, तब क्या होती, पांच अनपेयर्ड होते तो पांच में ए वन जी होती. हाँ, इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी, तो बस अब आपको कुछ याद भी नहीं करना है. देखिए ये क्या है, थ्री ए टू जी है ना. ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया, देखिए दो ड्रम तो आपने सीधे सीधे निकाल ली, कहीं को रटने की जरूरत ही नहीं है. अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, फिर से मैं एक टेबल और दिखा रही हूँ. ये देखिए यहाँ पर आप एफ को देखिए, एक स्टेट तो है टी वन है, एक है ए टू, ये दो तो आपने निकाल ली, निकाल ली. यस मैम. अब क्या रहेगा, टी टू रह गई. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टी टू कैसे निकलेगी. अब आप देखिए कि इसकी जो डीजेनरेसी, इसकी भी इसकी कितनी होगी, दो होगी ना, नहीं सॉरी एक होगी. इसकी डीजेनरेसी कितनी है, वन. एक है ना, एक है. अभी टोटल डीजेनरेसी कितनी हो गई बच्चों, थ्री प्लस सिक्स प्लस वन, ये टोटल डीजेनरेसी कितनी हो गई, टेन. टेन हो गई.
और इसकी डिजेनरेसी कितनी होती है? सेवन 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 होती है ना, तो अब इसको तो सेवन ही में टूटना है ना, ये दस कहां से आ गई, समझ रहे हैं? ये दस आ गई है जबकि इसकी सेवन होती है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा गड़बड़ झाला है कि यहां पर दो टी स्टेट है एक्चुअल में, यहां पर दो टी स्टेट है, इसकी भी डिजेनरेसी तीन है, इसकी भी तीन है, तो ये टोटल जो यहां पर जो बीच में आ रहा है ये दो टी की वजह से आ रहा है, और दो टी में से एक टी किसकी है, एक टी है एफ की और एक टी है पी की। इसका मतलब है कि जब हम एफ टर्म की बात करते हैं तो उसके साथ एक और टर्म जुड़ी हुई रहती है, वो अकेले नहीं चल सकती, उसके साथ एक टर्म और चलेगी और वो टर्म होगी पी, बिना इसके नहीं चल पाएगा एफ। एफ को हाथ पकड़ने के लिए एक चाहिए, दैट इज पी, और पी की डिजेनरेसी कितनी होती है? थ्री। तो देखिए सात और तीन दस, अगर ये पी भी हम एफ के साथ जोड़ देना तो वो अलग नहीं रह सकता, एफ अलग नहीं रह सकता, वो साथ ही चलता है पी के, इसलिए यहां पर पी ने भी, पी की भी एक स्टेट मौजूद है यहां पर, इसलिए अगर हम देखेंगे कि ये दस में से सात तो एफ की और एक पी की है, तीन मतलब तीन जो है वो पी की है, तो इसलिए हमें इस तरीके का दिखाई दे रहा है, यहां पर जो मौजूद है एक स्टेट पी की है और एक किसकी है, एफ की है, और यहां पर एफ की कौन सी स्टेट बची हुई है, आप देखो मैंने टेबल दिखाई थी, एफ किस में स्प्लिट होता है, ए टू टी वन एंड टी टू में, तो एफ की कौन सी स्टेट बची है, टी टू, तो इसका मतलब है यहां से जो हमें एक स्टेट मिलेगी वो मिलेगी थ्री टी टू जी, और जो पी होता है, देखिए यहां पर आप देखिए जो पी की स्टेट होती है, ये देखिए पी से जनरेट होने वाली स्टेट को हम क्या कहते हैं, टी वन कहते हैं, क्या कहते हैं, T1 कहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेट एक तो होगी T2 और P की क्या होगी T1। अब आप वैसे भी देखिए, अब आपको मैं एक टेबल मोड ले चलती हूँ, फिर से ले चलती हूँ, ये देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन E में और एक P में है ना, है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ था अभी, E में और एक T में था, तो यहां देखिए अगर मैं E को T से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे, T1 T2, वही मिल रहा है वहां, मुझे वहां भी तो मुझे वही मिल रहा है, तभी तो ये छह डिजेनरेसी आई, तो मुझे यहां पर T1 प्लस T2 मिल रहा है, मिल रहा है, छह का मतलब यही है कि जब जब एक इलेक्ट्रॉन T2G में हो और एक इलेक्ट्रॉन E में हो, इसका मतलब है कि T2 और E मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब T2 और E मल्टीप्लाई होंगे तो फिर दो स्टेट जनरेट होंगी, एक T1 होगी एक T2 होगी, T1 तो P की होगी क्योंकि T1 जो P की मुलिकिन टर्म होती है वो T1 होती है, जो बची हुई टर्म है T2 वो किसकी होगी, F की होगी, इतना क्लियर हो रहा है, तो जब भी एफ की स्प्लिटिंग होती है तो एफ की स्प्लिटिंग तीन टर्म्स में होती है, T1G A2G, मतलब अगर मैं टेट्राहेड्रल की भी बात करूं तो मैं उसको T1 T2 एंड T2 कहूंगी, और जो इसमें एक टर्म है वो किसकी है, पी की है, तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि यहां पर ग्राउंड स्टेट T1G है, दूसरी एक एक्साइटेड स्टेट क्या है, T2G है, और दूसरी एक्साइटेड स्टेट क्या है, A2G है। देखिए जब मैं कैसे लिखूंगी इसको, मैं आपको पहले लिख के दिखा रही हूँ, जब मैं इसकी स्प्लिटिंग दिखाऊंगी, अभी एक टर्म और दिखा दूंगी मैं आपको, आपको और क्लियर हो जाएगा, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल आ गई है तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं, आप कोई भी टर्म बता सकते हैं कि भाई ये टर्म ये होगी, तो अब आप देखिए, अब हम आ रहे हैं, अब ये सब सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन जब तक ऑर्गल डायग्राम में आने के लिए आप देखिए कितना हमें कितने हमें हर्डल्स पार करने हैं, जब तक हमें ये चीजें नहीं आएंगी तब तक अब सिलेबस में, हालांकि आई हैव टू लिखाना पड़ेगा मुझे ये सब, कि ये सब भी उसमें, तो ये क्या उसके अंदर इन्वॉल्व है, लिखा हुआ नहीं है, बट इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो अब आपको मैं ये कह रही हूं कि एक टर्म थी 3F जब स्प्लिट होगी, ठीक है, एक बार मैं फिर से लिख रही हूँ, 3F जब स्प्लिट होगी तो सबसे नीचे किसकी एनर्जी आ रही थी, सबसे नीचे किसकी एनर्जी आ रही थी बच्चों, T1G आ रही थी, 3T1G, फिर किसकी आ रही थी, 3T2G, फिर क्या आ रही थी, 3A2G, यही तो आ रही थी ना,
अब मैंने आपसे कहा कि जब भी हम ये लिखेंगे हम बिना पी के नहीं रहेंगे, ये पी के साथ ही चलेगा, बिना पी के नहीं चलेगा। पी और एफ में आपको पता है कौन नीचे होगा, जिसकी एल, इसकी जिसकी एल ज्यादा होगी वो नीचे रहेगी और जिसकी एल कम होगी वो ऊपर रहेगी। तो अब यहां से जनरेट होने वाली टर्म क्या थी, इससे हमें पता ही होना चाहिए, जो मुलिकन टर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, टी वन जी होती है। जो पी से जनरेट होती है वो टी वन जी होती है हमेशा। तो ये किसकी है, पी की, ये किसकी है, एफ की, ये किसकी है, एफ की टर्म, और ये भी किसकी है, एफ की टर्म। अब मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखूं इनके, तो देखिए टी वन जी का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों कहां थे, टी टू जी में थे। टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन थे। जब मैं टी टू जी की बात करूंगी तो एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, टी टू जी में था, और एक इलेक्ट्रॉन कहां था, ईजी में था। और वही हाल ये दो स्टेट देखिए, टी टू जी, ईजी वन, ये दोनों इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन से तो निकल के आए, एक इलेक्ट्रॉन टी टू जी में था और एक कहां था, ईजी में था। और ये जो स्टेट है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ईजी टू। ये हम कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन था तो इस टर्म का नाम ये था, ये कॉन्फ़िगरेशन था तो इस टर्म का नाम ये था। इस तरीके से हम इसकी स्प्लिटिंग शो कर सकते हैं। और हमेशा 3p जरूर लिखेंगे। और आपको मैं एक टेबल और दिखाऊं, फर्दर एक टेबल और दिखाऊं, जहां पर आप देख के आपको लगेगा कि हाँ ये क्यों लिए होगी, क्योंकि जहां पर भी एफ टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म होगी, आप देखिए एफ किसकी टर्म है, देखिए एफ, ये एफ, अच्छा यहां पर नहीं हम देखेंगे, वो टर्म हमने लिखी थी कहीं पर, हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिखी थी, उस टर्म्स को मैं दिखाती हूँ आपको। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स मैंने आपको दिखाई थी पिछले टर्न में, बात नहीं अभी मिल जाएंगी। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपको ये हमेशा याद रहे कि जब भी हम F लेते हैं तो हम उसके साथ P जरूर लेंगे, बिना P के F नहीं होती, ठीक है। अच्छा तो मैंने यहाँ पर टर्म्स नहीं रखे, आई थिंक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हमने, जैसे हमने D2 कॉन्फ़िगरेशन की निकाली थी ना, कितनी टर्म्स थी उसमें जो D2 में हमने कैलकुलेट की थी, 4 टर्म्स कितनी आई थी, आपने ध्यान है आपको कुछ, 5 आई थी, कौन कौन सी आई थी, 1G 3F 1D 3P एंड 1S, हाँ 5 आई थी ना। तो क्या उसमें जब 3F था तो उसमें 3P भी था ना, यस मैम, था उसके साथ, यस। तो कहने का मतलब यह है, वो टेबल मुझे दिख नहीं रही, कहने का मतलब यह है कि जहां पर भी F टर्म होगी ना उसी मल्टीप्लिसिटी की P टर्म भी जरूर होगी उसके साथ, बिना उसके नहीं होगा। टेबल मैंने आपको दिखाई थी क्या पिछले टर्म में, कोई ऐसी जिसमें सारी टर्म्स लिखी थी, या ग्राउंड स्टेट टर्म वाली टेबल ही दिखाई, दिखाई तो थी, ये है, हाँ दिस वन इज, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि ये देखिए डी थ्री कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो आप देखेंगे कि अगर 4F है ना तो 4P भी होगी इसके साथ, ठीक है। अगर अगर मैं F टर्म की बात करूं तो D7 को आप देखिए, 4F है तो 4P भी है, 3F है तो 3P भी है, और 3F है तो 3P है। आप देख सकते हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि जब हम टोटल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जहां F होगी ना सेम मल्टीप्लिसिटी की P टर्म भी होगी, इसीलिए होती है। क्यों होती है, आपने देख लिया क्यों होती है, क्योंकि F जो है वो P के बिना अधूरा है, क्योंकि ये जब स्प्लिट हो रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि भैया 10 में स्प्लिट हो जा रहा है, 10 में स्प्लिट नहीं हो रहा है, बल्कि 3 जो है इसके दोस्त की टर्म्स है, क्लियर हो रहा है। तो जहां पर भी जिसमें भी एफ ग्राउंड स्टेट टर्म होगी वहां पर सेम मल्टीप्लिसिटी की पी टर्म भी होगी, और उसको वी हैव टू इंक्लूड इन द स्प्लिटिंग, हमें उसको स्प्लिटिंग में इंक्लूड करना होगा। क्लियर है, इतना क्लियर है, yes, yes, तो मैं केवल एक कॉन्फ़िगरेशन की और स्प्लिटिंग दिखा रही हूं आपको ताकि एफ की स्प्लिटिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। 4 में से 2 आप करेंगे और 2 मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। एक और कॉन्फ़िगरेशन की स्प्लिटिंग में आपको बता रही हूँ, और वो कौन सा बताइए, कौन सा ले जिसमें एफ टर्म होती है, आप बताइए जो जो मर्जी आपकी। हम D8 का समझा दीजिए, D8 का कर लेते हैं, ठीक है, D8 का। तो D8 की जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्या होती है, एटॉमिक टर्म, थ्री एफ। अभी हम केवल ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल तो मैंने छुआ ही नहीं है, तो टेट्राहेड्रल तो जस्ट उसका अपोजिट होता है। एक D2 करके दिखा दूंगी, ठीक है,
टेट्राहेड्रल में भी मैं आपको एक डी टू करके दिखाऊंगी। हाँ अब आप देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूँ मैं, अभी मैंने टेट्राहेड्रल का नाम नहीं लिया है। अब इसमें डी एट इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये जो ग्राउंड स्टेट है इसका नाम क्या होगा, ये भी हमने निकाला था। देखिए ये कैसी टर्म है बच्चों, ये देखिए डी थ्री एंड डी फाइव का कॉम्बिनेशन है। डी फाइव का मतलब क्या था, ए वन जी, और डी थ्री का मतलब क्या था, ए टू जी। जब हम ए टू जी को टी वन जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A2G आएगा। A1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं ना वही आता है। तो ये स्टेट देखिए सीधे सीधे निकल गई ना, ये क्या A2G है, कितनी A2G है, 3A2G है। ठीक है, कैलकुलेट कर ली हमने, सिमेट्रिकल है ना, एक ही तो डिजेनरेसी है इसकी, दोनों सिमेट्रिकल है वैसे। ठीक है, ये तो सीधे सीधे हमने कर दिया। देखिए अब आइए नेक्स्ट की बारी आए, अब जब एक्साइटेड स्टेट होगी, एक्साइटेड स्टेट वन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं देखूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 और यहां 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2G5EG3 और इसका क्या हो गया, T2G4EG4। ठीक है, अब आप ये बताइए कि ये जो स्टेट है ये क्या है, कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी, D5? नहीं, ये आप देखिए इसमें ये एक मिनट, कुछ गलत किया है मैंने, है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम आएगा ना, ये क्या किया मैंने, और EG4, अच्छा ठीक हो गया, ये क्या है, हाँ इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, 6 ना, 6 पॉसिबिलिटी तो होंगी। ई भी जो है एसिमेट्रिकली फील्ड है और टी भी एसिमेट्रिकली फील्ड है, तो इसमें कौन सी टर्म छुपी हुई है, T1G+T2, ये छुपी हुई टर्म्स है, यही तो है। यस मैम, पी वाला। ठीक है, अब इसकी डिजेनरेसी बताइए, ये देखिए ये क्या है, अब आपको ये ध्यान रखना है, कोई इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि जब एफ टर्म टूटती है तो ए टू जी, टी वन जी और टी टू जी में टूटती है। टी टू जी यहां ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये कौन सी टर्म होगी, टी वन जी होगी। अभी आपको एक चीज और बताने वाली हूँ, ये क्या होगी, T1G होगी। ठीक है, ये T1G है। ओके, अब यहां पर जो टर्म्स हैं उसमें से T1G किसकी होगी, P की होगी, और T2G किसकी होगी, F की होगी। ठीक है, ये तो हमने मूलिकन टर्म में पढ़ा था कि T1G, T2G और A2G में। अब मैं इसकी स्प्लिटिंग आपको यहां पर दिखा रही हूँ, छोटा छोटा बना रही हूँ। हाँ मैम, जो जैसे कि हम डीजेनरेसी कह रहे हैं ना, मैम उसको एक बार अच्छे से समझा दीजिए कि कैसे उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। डीजेनरेसी तो बेटा सीधे सीधे है ना, डीजेनरेसी का मतलब कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज में हो सकता है, यहाँ पर तो यही है मतलब। अगर ईजी एसिमेट्रिकली फील्ड है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, और अगर ये है तो यहाँ पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। डीजेनरेसी, अब देखिए यहां पर कुछ मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं करनी है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज करे बिना उसके अरेंजमेंट देखने के कितने हो सकते हैं, तो यहां पर एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ऐसे ही अरेंज हो सकता है। अब मैं दूसरा बता रही हूं, मैं ये मिटाऊंगी तो मुझे ये भी नहीं पता न्यू पेज कैसे आता है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर हम यहाँ पर एक ये एंट्री करके ये एक नया पेज ले आए, ठीक है। अब यहां पर आप ये देखिए, ये मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताई, ये तीन कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूं पहले मैं आपको, ये वाला, इसकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरे कॉन्फ़िगरेशन से जब आप कंपेयर करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करते हैं जहां पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुका है, ये इसकी डीजेनरेसी 6 है। कैसे है देखिए, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहां भी हो सकता है ऐसे, और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहां भी हो सकता है, बाकी वैसा ही रहे, है क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी और पॉसिबिलिटी क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहीं रहे लेकिन यहां पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो अपनी जगह चेंज कर ले, ये देखिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चेंज कर ले, इसको कहते हैं डीजेनरेसी। अगर आप देखेंगे सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग होंगे,
यहां पर देखिए दोनों लास्ट वाले में है इलेक्ट्रॉन, यहां आप देखिए कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो यहां आ गया, यहां पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। इनकी डीजेनरेसी, तीन डीजेनरेसी तो इसकी थी टी टू जी की वजह से। अब देखिए आप यहां पर, अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में था वो पहले वाले में आ गया, बाकी इसमें हमने चेंज कर दिया। कभी ये यहां है, कभी ये यहां है, कभी यहां है, कितनी पॉसिबिलिटी है? सिक्स। तो इसकी डीजेनरेसी छह हो गई, इसको हम डीजेनरेसी कहते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन था, अगर मैं उसकी बात करूं जो मैंने इस तरीके से लिखा हुआ था, ये ऐसे लिखा था, ठीक है, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये यहां भी हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटी और है, ये जो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहां भी हो सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? थ्री। क्योंकि टी टू जी एसिमेट्रिकली फील्ड है इसलिए तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, और जब दो दोनों के दोनों जो है वो एसिमेट्रिकली फील्ड है तब तो छह पॉसिबिलिटी हो सकती है। भाई ज्यादा जगह मिल गई उसे घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन को, वो ऊपर भी घूम रहा है और नीचे भी घूम रहा है, कहीं पर भी रह सकता है। तो इस तरीके से हम डीजेनरेसी को डिफाइन कर सकते हैं। ये स्टेट्स की डीजेनरेसी की बात कर रहे हैं हम, कि ये इतने तरीके से इसको हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है ये? अब क्लियर है? यस मैम। हाँ बेटा, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो फिर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, ये क्लियर है? अब क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। यस मैम, क्लियर होगा। अब इसको हम वो कर रहे हैं, देखिए इसकी हम स्प्लिटिंग दिखा रही, मैं छोटी सी दिखाऊंगी। देखिए 3F है, 3F में ग्राउंड स्टेट क्या है, और नीचे दिखाऊंगा, अभी तो छोटी पड़ रही है इसमें। ये देखिए 3F है, ठीक है, इसमें सबसे नीचे किसकी एनर्जी है, कौन सी स्टेट की एनर्जी है? A2G, 3A2G, फिर 3T2G, फिर 3T1G। अब एक और टर्म है P, और उसकी क्या होती है, 3T1G। इसकी स्प्लिटिंग ऐसे होगी। अब इसका, और आपने अभी जो D2 में देखा आपने, उसमें इस तरीके से था, D2 की भी 3F थी ना, उसमें आपने ऐसे देखा था 3T1G, फिर आपने देखा था 3T2G, फिर आपने देखा था 3A2G, और यहां पर 3P थी, और इस तरीके से लिखा था ना हमने, यहां पर लिख देती 3T1G। अंतर देखिए आप, दोनों के डायग्राम में अंतर दिख रहा है, एक में क्रॉसिंग हो रही है और एक में क्रॉसिंग नहीं हो रही है। ये देखिए यहां पर, यहां पर मैंने ऐसे लिखा और यहां पर ऐसे लिखा, इसको लिखने का तरीका भी अलग अलग है। देखिए दो, जो एक D2 कॉन्फ़िगरेशन था, ये क्या था D2 और ये क्या था D8, दोनों की स्प्लिटिंग पैटर्न में अंतर दिख रहा है कुछ? यस मैम। एक तो आपको ग्राउंड स्टेट अलग दिख रही, देखिए इसकी T1G और इसकी क्या है, A2G है। कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, या कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो अगेन देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि जो DN और D10-N कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनकी जो स्प्लिटिंग होती है इनवर्स होती है। D2 और D8 की जो स्प्लिटिंग है वो इनवर्स होगी, क्योंकि यहाँ पर 3T1G नीचे और यहाँ पर A2G ऊपर नीचे है, ग्राउंड स्टेट टर्म देखिए रिवर्स हो गई। ठीक है, एक चीज तो ये देखी आपने इसमें, दूसरी चीज आपने यहां पर देखी, यहां पर क्रॉस हो रहा है और यहां पर क्रॉस नहीं हो रहा है, ये दो चीजें नोट कर लीजिए। ये तो हमेशा नोट करना है कि डीएन D10-N जो है वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे, और अगर वहीं पर मैं कॉन्फ़िगरेशन ले लूं डीएन एंड डीएन प्लस 5, ये सेम होंगे, ये कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? ये तो बिल्कुल यही तो है, एक ये इसके लिए तो बहुत अच्छा मैं क्वेश्चन है ये, और ये मैं बताऊंगी आपको अभी कैसे होगा। ठीक है, अब मेरी छोटी छोटी चीजें पूरी नहीं हो पा रही तो मुझे बड़ी चीज में जाने में टाइम लग रहा है। अब आप ये बताओ कि अब ये एक कॉन्फ़िगरेशन और ले लेते हैं जल्दी से, D7 ले लूं, D3 ले लेती हूँ, छोटा कॉन्फ़िगरेशन है ना, ठीक है D3 और ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। देखिए D3 में मैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कर रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी करूंगी। अब आप देखिए D3, ये कौन सी स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई, ये दूसरी एक्साइटेड स्टेट है, ये देखिए ये ग्राउंड स्टेट, ये कौन सी स्टेट हो गई, देखिए इसको क्या नाम देंगे हम, ग्राउंड स्टेट है, कौन सी ए है, कौन सी ए है, ये देखिए A2G, A2G है। देखिए अब आपको तो ज्यादा वो करना, A2G है, ठीक है,
ठीक है, और ये क्या, इसमें दो स्टेट है, टी वन जी भी है और टी टू जी भी है, ठीक है, और ये क्या होगी, इसका मतलब ये बची हुई स्टेट क्या होगी, टी वन जी होगी। अभी आप नोट करेंगे इस बात को भी, ठीक है। तो आप देखिए इसमें ए टू जी सबसे नीचे है, डी थ्री में ए टू जी नीचे है और डी एट में भी ए टू जी नीचे है, है बच्चों? यस मैम। डी थ्री में भी नीचे और डी एट में भी नीचे है, फिर ये टी टू जी आ जाएगा और फिर उसके बाद टी वन जी आ जाएगा, यानी देखिए डी थ्री और डी एट की स्प्लिटिंग एक सी है, यानी डी एन प्लस फाइव की स्प्लिटिंग एक सी होगी। ये तो गांठ मान लीजिए कि डी एन डी टेन माइनस एन इनवर्स होंगे और डी एन एंड डी एन प्लस फाइव एक से होंगे, बस उनकी मल्टीप्लिसिटी में अंतर होगा। ये मैंने गलत लगा दिया, ये थ्री नहीं होगा, ये क्या होगी, क्योंकि ये जो है डी थ्री कन्फिग्रेशन है, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, फाइव होगी ना, इसकी मल्टीप्लिसिटी फाइव, बस मल्टीप्लिसिटी में अंतर होगा, बाकी स्प्लिटिंग एक सी होगी। ये तो आप कर लेंगे मेरे ख्याल में, आप स्प्लिटिंग समझ में आ गई आपके डी की एफ की? यस मैम, पर थोड़ा सा करना पड़ेगा, तभी आएगा अच्छे से। हाँ हाँ आप करिए, आप करिए, आप देखिए, आप किसी दिन आपको ना ऐसा कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे बताइए, हम कोई एक्स्ट्रा क्लास में बता सकते हैं, जैसे आधा घंटा, क्योंकि अब तो ऑनलाइन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट आपको मुझे बताना पड़ेगा कि अब मुझे भी टाइम होना चाहिए, मुझे जो टाइम होता है वो जैसे सैटरडे का आप किसी दिन रख सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। सैटरडे को किसी की क्लास होती है? मैम क्लास तो किसी की नहीं, मतलब क्लास तो होती है, लेकिन जो सर हैं कमलेश सर, उन्होंने कहा है कि वो भी सैटरडे लेंगे शायद क्लास। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मेरा तो यह है कि मैं आधे घंटा आपको दे सकती हूँ, क्योंकि पर्सनली बताने से अच्छा मैं आधा घंटा अगर आप करके देखेंगे किसी दिन, किसी भी दिन, मैं तो कहती हूँ 7 बजे शाम को, मतलब मैं भी फ्री होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं फ्री नहीं हूँ और आप मुझसे कह रहे हैं, ऐसा कोई भी दिन हो सकता है जिस दिन आपको लगे कि हाँ मैडम ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि दो पीरियड कम हो रहे हैं मेरे चैप्टर, ऐसा नहीं है मेरा चैप्टर तो बहुत दिखने का इतना सा है, लेकिन उसमें अभी आप देख रहे हैं एक एक भी टॉपिक कवर एक हुआ है, एक छोटा सा टॉपिक कवर, तो इसमें बहुत मेहनत चाहिए, ठीक है। मत अगर आप, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि कहीं पर अगर आपको दिक्कत होगी तो वैसे तो आप पर्सनली भी मेरे से पूछ सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि डी एन एंड डी एन एंड डी टेन माइनस एन ये कैसे होते हैं, इनवर्स होते हैं, और डी एन एंड डी एन प्लस फाइव कैसे होते हैं, सेम होते हैं, बस इतना पता चल गया। अब टेट्राहेड्रल, एक टेट्राहेड्रल लेके जल्दी से आपको बता रही हूँ, यानी डी टू टेट्राहेड्रल ले लेते हैं, ठीक है, डी टू टेट्राहेड्रल ले लेते हैं, और डी टू टेट्राहेड्रल जब हम लेंगे तो इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। देखिए ग्राउंड स्टेट तो वही रहेगी, ग्राउंड स्टेट चेंज नहीं होती है, क्योंकि वो एटॉमिक टर्म होती है, जो एटॉमिक टर्म होती है वो सेम रहती है, बस जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में अंतर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर वन टू, फिर वन टू और फिर वन टू, तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ई टू, यहां पर ई वन टी टू वन, यहां पर टी टू टू, तो ये कैसी स्टेट है, ये कैसी स्टेट है बच्चों, टी वन जी, ये एसी, ये कैसी फील्ड है, ए टू जी है, ये तो सिमेट्रिकली फील्ड है ना, तो ये ए टू जी है, यहाँ पर क्या होगा टी वन जी और टी टू जी होगा, और यहाँ पर क्या होगा टी वन टी टी, यहाँ पर क्या होगा टी वन जी होगा। अब देखिए ए टू जी ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है डी टू टेट्राहेड्रा, और अब डी टू ऑक्टाहेड्रा को देखिए, डी टू ऑक्टाहेड्रा यह है, यहां पर ग्राउंड स्टेट क्या है, टी वन जी, और यहां पर ग्राउंड स्टेट क्या है, A2G. एक्साइटेड स्टेट, देखिए यहां पर एक्साइटेड स्टेट टी वन जी है, यहां पर एक्साइटेड स्टेट टी टू जी, ए टू जी है अपोजिट, दोनों की स्प्लिटिंग एक दूसरे से अपोजिट है, yes, ma'am. ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इसीलिए आपको पता ही है कि ऑक्टाहेड्रा और टेट्राहेड्रा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो उनकी स्प्लिटिंग भी अपोजिट होगी, क्योंकि ऑर्बिटल का जो ऑर्डर है वही चेंज हो गया। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ बच्चों, अभी तो हो गया, अभी तो क्लियर हो गया होगा, हाँ, बात की बाद में देखी जाएगी, थोड़ी दिक्कत है, अभी क्लियर हो गया ना, तो इसको बेटा आप लोग करके देखेंगे ना, करके देखते रहिएगा, अभी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन, और मैं एक ही मैं आपको स्प्लिटिंग भी दिखा दे रही हूँ इसकी,
चलो स्प्लिटिंग पैटर्न मैंने आपको दो तरीके के दिखाए, एक स्प्लिटिंग ऐसी दिखाई है, ये और ये, ठीक है। एक स्प्लिटिंग पैटर्न मैंने आपको दिखाया ये 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 और ये दो तरीके के दिखाए ना। यस मैम, ठीक है। Yes, उसके लिए मैं जल्दी से आपको अपने एक वीडियो की ओर ले चल रही हूँ, और उस वीडियो से जल्दी से मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बना हुआ नहीं रखा है कोरिलेशन डायग्राम। कोरिलेशन डायग्राम्स जो हैं वो ऐसे डायग्राम्स होते हैं, कोरिलेशन डायग्राम तो आपने कई तरीके के पढ़े होंगे, पहले भी पढ़े हैं। कोरिलेशन तो सुना होगा, किसमें पढ़े आपने कोरिलेशन डायग्राम, किसमें पढ़े? यस यस, आपने उसके अलावा वॉल्स डायग्राम पढ़े थे आपने? यस मैम। वॉल्स डायग्राम पढ़े थे? यस मैम। वहां पर भी कोरिलेशन नाम सुना होगा। बिल्कुल उसी तरीके से कोरिलेशन डायग्राम यहाँ पर हम, ये बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है जिसका मैं आपको दिख रही है ना, वीडियो दिख रही है ना, मतलब उसका फोटो दिख रहा है। यस मैम। तो हम क्या करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा अंदर तक हम नहीं जाएंगे, D1 कॉन्फ़िगरेशन का कोरिलेशन डायग्राम, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो 2D लिखा है ना मैंने यहाँ पर, हाँ, ये D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको कोरिलेशन डायग्राम दिखा रही हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे जो मैंने 2D लिखा है, 2D का मतलब है कि ये क्या है, फ्री आयन टर्म है। ये किस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं? D1 की बात कर रहे हैं। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? D1, ठीक है। अब ये D1 वीक फील्ड में जब ये स्प्लिट होता है तो कैसे स्प्लिट होता है, T2G नीचे चला जाता है और EG ऊपर चला जाता है। इसको हम बहुत जल्दी समझेंगे, बहुत कठिन चीज नहीं है यहाँ पर अभी। D2 कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत कठिन है, लेकिन D1 उतना कठिन नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड दिखाया हुआ है। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में ये अंतर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, कि यहाँ पर स्प्लिटिंग कम है और स्ट्रॉन्ग फील्ड में बढ़ गई। तो स्प्लिटिंग समझ सकते हैं अभी तो आप, कि 2D जो है ये फ्री मेटल आयन है, ये जो है ये वीक फील्ड है, और ये जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड है। इतना क्लियर हो रहा? तो हम कोरिलेशन डायग्राम में क्या करते हैं कि हम एक साइड, लेफ्ट साइड हम वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस की एनर्जी जो स्टेट्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, और राइट साइड में स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस की जो एनर्जी है ऑर्बिटल्स की उनको हम रखते हैं, मतलब स्टेट्स की एनर्जी को रखते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो सेम एनर्जी की टर्म्स होती हैं, जो सेम सिमेट्री की टर्म होती है, उनको एक डैश लाइन से जोड़ देते हैं। जैसे यहां पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि D1 कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, दोनों केस में आप देखेंगे कि एनर्जी लेवल एक से है। ये आप देख सकते हैं दोनों में T2G और EG ही है, और इनको क्या किया हमने कि इसके 2 T2G को इसके T2G से डैश लाइन से जोड़ दिया। दोनों एक से है, मतलब दोनों T2G है, दोनों की जो मल्टीप्लिसिटी है वो भी 2 है ना, तो दोनों सेम सिमेट्री की टर्म मानी जाएंगी, इसलिए इनको एक डैश लाइन से जोड़ दिया। ये इतना तो क्लियर हो रहा होगा, एक साइड वीक फील्ड, एक साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड, जो सेम सिमेट्री की टर्म है उनको डैश से जोड़ देना है, और डैश से जोड़ देने के बाद जो हमें मिलेगा वो कोरिलेशन डायग्राम होगा। ये वीक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और जो 20 का हिस्सा है ये क्या है, ये मीडियम फील्ड कॉम्प्लेक्स बनेंगे, बीच के जो कॉम्प्लेक्स है वो मीडियम फील्ड कॉम्प्लेक्स है। इतना तो क्लियर होगा। अब मैं इसमें आगे बढ़ रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके जो मेन पॉइंट हैं जो मुझे आपको बताने हैं, जो कोरिलेशन डायग्राम होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, आप इसको देखेंगे तो फिर आई थिंक इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे सिंपल डायग्राम है। इसकी मैं कंडीशन आपको कुछ बताऊं, सिंपल कंडीशंस ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बच्चों देखो मेहनत बहुत काउंट करती है। मैंने आपको शायद कहीं, पता नहीं आपको लिखा था या नहीं लिखा था, अगर आप देखेंगे, आप ही लोगों को लिखा था आई थिंक, कि कहां से कहां पहले जहां हम बनाते थे। मैं देखिए मेहनत जो है हर जगह पर काउंट करती है, जबकि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन इंटरेस्ट है मेरा कि पहले हम हाथ से लिखते थे, देन हम ऐसे कैमरा पकड़ते थे वैसे लिखते थे, तो आपने हिलते हुए वीडियो देखे होंगे, फिर हमको अंदाजा आया कि हम कैमरे को स्टिल कर रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे 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 वी हैड इम्प्रूव्ड आर, कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ और कैसे और क्लियर हो बच्चों को। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों में भी ऐसे इम्प्रूवमेंट आने चाहिए। मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि इस तरीके के इम्प्रूवमेंट आप अपने जिंदगी में हमेशा रखिए, कि कितनी उम्र हो जाए सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर अब इसके जो कुछ कंडीशंस हैं कोरिलेशन डायग्राम की, यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें क्या करना है, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी लेवल पता करने हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड के पता करने हैं, ठीक है। उसके बाद एक साइड में वीक फील्ड के लिख देने हैं, एक साइड में स्ट्रॉन्ग फील्ड के रख देने हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद सेम सिमेट्री की जो टर्म्स हैं उनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। इतना क्लियर हो गया?
यस मैम उसको जोड़ देना है। अब जोड़ने से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है जो यहां से पता नहीं चलेगी। अब मैं दूसरे डायग्राम की ओर चल रही हूँ, ठीक है। ये मैंने इतना सिंपल, ये डी वन डायग्राम बहुत सिंपल होता है, इसलिए इसको आपको मैंने बेस करके दिया। और डी टू जो है वो एक थोड़ा कठिन डायग्राम है, कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म्स है उनको कैलकुलेट कर पाना थोड़ा कठिन होता है, जो टर्म्स होती है उनको कैलकुलेट करना थोड़ा सा कठिन काम है। उसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे अभी, ठीक है। तो अब ये देखिए D2 जो 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 ऑक्टा जो कोरिलेशन डायग्राम है वो टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, D2 कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि पांच टर्म होती हैं इससे जो जनरेट होती है। देखिए कौन कौन सी होती है, 3F, 3P, 1G, 1D, 1S, सारी टर्म्स लेनी है। ये वीक फील्ड में थी, आपने देखा था वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स में थी। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स जब स्प्लिट होता है तो ये पांच स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स में टूटता है, जिनकी जो टोटल माइक्रोस्टेट्स होती हैं 45 होती हैं। और अगेन आप जानते हैं कि ये जो टर्म्स हैं ये फर्दर मॉलिक्यूलर टर्म्स में स्प्लिट होती हैं। ये तो एटॉमिक टर्म है और ये किसमें स्प्लिट होती है, मॉलिक्यूलर टर्म में स्प्लिट होती है, ठीक है। ये आपको मैंने मॉलिक्यूलर टर्म्स दिखाई थी, देखिए F है तो A2 T2 T1 में स्प्लिट होगा, D है तो EG और T2G में स्प्लिट होगा, और अगर वो G है तो फिर देखिए ये चार टर्म्स में स्प्लिट होगा, पी होगा तो टी वन जी में, एस होगा तो ए वन जी में। ये मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ टोटल मिला के जो माइक्रोस्टेट, ये क्या है, वीक फील्ड की टर्म्स है। अब मुझे देखने हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड की टर्म्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड की टर्म निकालने में मैंने बहुत बड़ा मेथड दिया है, वो मेथड क्योंकि ये बहुत कोरिलेशन डायग्राम तो आता है, अगर कोरिलेशन डायग्राम आपके कोर्स में है तो अगर आपको कहीं पर दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डी वन का आप बना सकते हैं, अगर कहीं पर आता है तो आप डी वन का कोरिलेशन डायग्राम बना सकते हैं, बट आप समझेंगे डी टू की हेल्प से, क्योंकि ये बहुत स्पेशल है। और अगर आप चाहेंगे तो जब हमारा टाइम मिलेगा तो मैं आपको डी टू का कोरिलेशन डायग्राम भी कंप्लीट समझा दूंगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस की जो टर्म्स हैं वो निकालनी थोड़ी टफ होती हैं। तो यहां पर क्या होगा कि ये देखिए आपको ऐसा आसान लग रहा होगा, ये बड़ा बहुत लंबा मेथड है जहां पर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस की जो टर्म्स है वो निकालते हैं। वहां पर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लेते हैं, जैसे मैं कहूंगी टी टू जी, टी टू जी टू दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब, तो इसको हम कहेंगे टी वन जी इंटू टी वन जी, और जब टी वन जी से मल्टीप्लाई होता है तो आपने टेबल में देखा होगा कि जब टी वन जी से मल्टीप्लाई होता था तो आपने ये देखा था कि वहां पर चार टर्म जनरेट होती थी। ये देखिए जब T1 से मल्टीप्लाई होता था तो चार टर्म जनरेट होती थी, A1, E, T1 एंड T2। तो वही चीज मैं आपको यहां पर बता रही हूं, देखिए चार टर्म जनरेट होती हैं, और दूसरा जो एक्साइटेड स्टेट है वो क्या है, T1 और E1, और जब T1 और E1 मल्टीप्लाई होते हैं तो T1 और T2 जनरेट होती है, और तीसरा जो एक्साइटेड स्टेट है वहां पर इलेक्ट्रॉन कहां है, E2 में है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, E2। तो E2 को हम क्या कह सकते हैं, E1 into E1। तो E1 और E1 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो तीन टर्म जनरेट होते हैं, जिसको हमने टेबल में देखा। तो ये मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ। तो ये जनरेट करना देखिए कितना टफ होता है, इसको जब हमने जनरेट कर दिया, मान लीजिए हमने सारी टर्म्स, ये पूरा मेथड लिखा है मैंने कैसे जनरेट होती है, मैं आपको दूंगी, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप देख सकते हैं कि कैसे, बहुत लोगों ने इसको देखा है और बहुत इसको अप्रिशिएट किया है, क्योंकि इस तरीके से कहीं पर कैलकुलेशन दिखाई नहीं बुक्स में, तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि ये किस तरीके से इन्होंने टर्म्स निकाली होंगी। तो ये कंप्लीट जब हम टर्म्स निकाल देते हैं, आई थिंक जब आप काफी पढ़ चुके होंगे तो आपके ये सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये जो है ये कोरिलेशन डायग्राम है, ये डी टू का, और ये थोड़ा सा क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैंने आपसे पहले ही कहा ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस की जो जो मॉलिक्यूलर टर्म्स हैं उनको अरेंज किया है, और ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड की जो मॉलिक्यूलर टर्म्स हैं उनको अरेंज किया है। ये जो बीच में देखिए हमने 1A1G को 1A1G से इसको जोड़ दिया है डैश लाइन से, 1EG को 1EG से, हमने यहां से स्टार्ट किया, देखिए 3T1G को 3T1G से जोड़ दिया, 3T1G को 3T1G से सबसे पहले वाले को सबसे पहले वाले से जोड़ेंगे, फिर आप देखिए 3T2G को, अब देखिए यहाँ 3T2G कहीं नहीं है तो सबसे पहला 3T2G यहां पर है, तो मैंने इसको 3T2G को 3T2G से जोड़ दिया। अब 3A2G देखिए यहां कहीं 3A2G आपको नहीं मिलेगा, पहला 3A2G यहां है तो इस 3A2G को यहां से ज्वाइंट कर दिया। जितनी टर्म राइट साइड में होंगी उतनी ही लेफ्ट में होंगी, ये तो पक्का है। यहां भी 45 माइक्रोस्टेट्स आएंगी, यहां भी 45 माइक्रोस्टेट आएंगी, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड की जो स्टेट है उनको निकालने का तरीका अलग है, वीक फील्ड की निकालने का तरीका अलग है। तो जब हम निकाल देंगे तो हमने क्या किया कि सेम सिमिट्री की टर्म्स को जोड़ दिया डैश लाइन से। डार्क लाइन मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक पर्पज से दी जोड़ी हुई है, लेकिन ये डैश लाइन से जुड़ेंगी।
तो सारी, अब इतना तो क्लियर हो रहा होगा आपको कि मैंने एक साइड वीक फील्ड की मुलिकन टर्म रखी, एक साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड की मुलिकन टर्म रखी, और जो सेम सिमेट्री के टर्म है मतलब उनका नाम भी एक सा है और उनकी मल्टीप्लिसिटी भी सेम है। तो देखिए यहाँ पर टी वन जी था, फिर उसके दूसरी ओर वन टी टू जी था, तो वन टी टू जी देखिए ये पहला वन टी टू जी है, तो इससे इसको जोड़ दिया। तो जो पहला यहाँ है, जो पहला यहाँ है उनको आपस में जोड़ दिया, उसके बाद जो दूसरा आएंगे उनको जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सब जोड़ दिया हमने, इतना क्लियर है। उसको भूल जाइए कि कैसे टर्म निकली, अभी उसको भूल जाइए। आप ये ध्यान रखिए कि हमारे पास एक वीक फील्ड है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है, सारी टर्म्स होंगी, यहाँ पर भी सारी टर्म्स होंगी, यहाँ पर भी एक सी टर्म है, लेकिन कोई टर्म कहीं पर है, कोई टर्म कहीं पर है, एनर्जी लेवल उनका अलग अलग है। तो सेम मल्टीप्लिसिटी की टर्म्स को मैंने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद आप अगर एक जिस्ट पे आएंगे, आप ये देखेंगे थ्री टी वन जी और थ्री टी वन जी, देखिए बच्चों ये लाइन है, ठीक है। अब दूसरी थ्री टी वन जी ढूंढिए का, ये है, ये देखिए दूसरी थ्री टी वन जी भी है, ये जो लाइन है आपको कैसी दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये कैसी दिखाई दे रही है, कैसे चल रही है ये दूसरे के साथ, कैसे पैरेलल चल रही है, पैरेलल चल रही है, यही आंसर मुझे चाहिए। अब आप देखिए अगर ये थ्री टी टू जी, थ्री टी टू जी और नहीं है, अगर मैं वन टी वन जी देखूं, देखिए ये वन टी वन जी है, दिख रही है ना, वन टी वन जी, और कहीं पर वन टी वन जी है, नहीं है, अच्छा वन टी वन जी, ए टू जी देखिए, ये देख लेते हैं, जो वन ए वन जी है और वन ए वन जी है, देखिए ये वन ए वन जी है, ये जो वन ए वन जी है, तो ये क्या एक दूसरे को कभी मिलेंगी, ये कभी एक दूसरे को मिल पाएंगी लाइन, अगर आप इनकी लाइन देखिए, ये लाइन मैम अगर लाइन पीछे नहीं, आगे 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 कहीं पर बढ़ रही है लाइन, नहीं मैम नहीं बढ़ रही है। अब आप जो है वन टी टू जी, वन टी टू जी, देखिए वन टी टू जी एक ये है और एक वन टी टू जी ये है, देखिए ये दिख रहा है, एक वन टी टू जी ये है और एक वन टी टू जी, वो वन टी टू जी तो एक सी होंगी, वो अलग अलग नहीं, तो ये कभी मिल पाएंगी, ये नहीं मिल पाएंगी, ये बहुत दूर चले जा रही है एक दूसरी, या तो पैरेलल होंगी या दूर चले जाएंगी। अब आप देखिए मैंने थ्री ए टू जी लिया, ये डार्क लाइन दिख रही है, ठीक है, और मैंने वन ई वन जी, वन ई जी ले लिया, ये देखिए ये लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये एक दूसरे के को काट रही है, यस मैम, यस मैम काट रही है। आप इस डायग्राम में कहीं पर भी देख लीजिए, अगर वो अलग अलग सिमेट्री की टर्म होगी तो एक दूसरे को काटेंगी, और अगर वो सेम सिमेट्री की टर्म होगी तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दैट कम्स आउट फ्रॉम द कोरिलेशन डायग्राम, दैट इज नॉन क्रॉसिंग रूल। ये आपका सबसे ऊपर मैंने लिखा है वो नॉन क्रॉसिंग रूल है, जो जस्ट इस कोरिलेशन डायग्राम से निकल के आता है, वो हमें हमेशा ध्यान रखना है, चाहे टेनेबो सुगानो डायग्राम हो, चाहे ऑर्गल डायग्राम हो, सारे केस में ये एक नॉन क्रॉसिंग रूल ओबे होगा। नॉन क्रॉसिंग रूल का मतलब है जो सेम सिमेट्री की टर्म्स होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, और जो सेम सिमेट्री की टर्म्स नहीं होती है, दे ऑलवेज क्रॉस ईच अदर। तो ये हमें कोरिलेशन डायग्राम से पता चलता है। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो मैं आपको फिर अपने ड्राइंग की ओर ले चलूं, जहां मैंने कुछ ड्रॉ किया था और वहां आपसे कहा था कि आपने मुझसे पूछा था, किसने पूछा था, किसी ने पूछा था, चेतना ने पूछा था, जिसने भी पूछा था। अब आप देखिए मैंने आपसे कहा था कि अगर ये डी टू कन्फिग्रेशन है और ये अगर डी एट कन्फिग्रेशन है, तो डी टू कन्फिग्रेशन में ये जो ग्राउंड स्टेट टर्म थी ये थी थ्री टी टू जी, ये थी थ्री सॉरी ये थी थ्री टी वन जी और ये थी थ्री टी टू जी और ये थी थ्री ए टू जी और ये थी थ्री टी वन जी ऑफ पी, ठीक है। ये तो था, ये तो आपने किया था, इसमें तो कोई वो नहीं है दिक्कत। अब दूसरी चीज आप देखिए यहां पर क्या थी, ये थ्री ए टू जी थी, ये क्या थी थ्री टी टू जी थी और ये क्या थी थ्री टी वन जी ऑफ पी थी और सॉरी एफ थी और ये थी थ्री टी वन जी ऑफ पी। अंतर देखिए अब आप यहां पर थ्री टी ए टू जी और थ्री टी वन जी एक दूसरे के पास में है, देखिए ये अलग अलग सिमेट्री की टर्म है तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, और यहां पर आप देखिए पास में कौन है, टी वन जी और टी वन जी दोनों एक सी टर्म है, ये दोनों कैसी टर्म है, यस मैम सेम है, तो ये क्या करती है एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती है, ऐसा लगेगा कि रिपेल कर रही है एक दूसरे को, तो ये टर्म कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। जब भी स्प्लिटिंग होगी तो टी वन जी जब पास होंगे ना तो ऐसे होंगे, और जब ए टू जी और टी वन जी पास होंगे ना तो वो क्रॉस कर सकते हैं। यह हमें कहां से पता चलता है, कोरिलेशन डायग्राम से, जो हमें बताता है कि नॉन क्रॉसिंग रूल क्या है। इतना क्लियर हो गया,